लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो देखिए, अभी आप एक बैक साइड में मकान देख रहे हैं जो कि ये आपका 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, रेडी टू मूव कंडीशन में मकान है आपका और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप जानकीपुरम में कोई मकान लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है। तो 1100 स्क्वायर फीट का जो ये मकान है आपका, 20 फीट का आपका फ्रंट है और 55 फीट का आपकी गहरान है। ईस्ट फेसिंग का मकान है और जो सामने की रोड है 25 फीट की है। तो जानकीपुरम में अगर आप आएंगे 60 फीट आप, बहुत ही फेमस जगह है, तो वहां से आप अटल चौराहा पूछ सकते हैं। तो अटल चौराहा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप नहर रोड की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये मकान बना हुआ है। और जो कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 63 लाख का ये मकान है जो कि रेडी टू मूव कंडीशन में है। ठीक है, जैसा कि अभी आप ये मकान देख रहे हैं, ये फ्रंट एलिवेशन का मकान है। इसमें टोटल आपके ये दो मकान बने हुए हैं। तो इसकी सबसे पहले हम अगर फ्रंट की बात करते हैं तो ये आपका 20 फीट का फ्रंट है और 55 फीट की गहरान है मकान की, एक मकान की। और अगर हम लाइट की व्यवस्था की बात करते हैं तो देखिए, हर तरफ पूरी आपकी लाइट है। नगर निगम में ये आपका पूरा एरिया आता है और ये साथ ही साथ दाखिल खारिज प्लॉट है। और अगर सामने की रोड की हम बात करते हैं तो ये आपकी 25 फीट की सामने की आपकी ये रोड है। तो ये रेडी टू मूव मकान और ये ईस्ट फेसिंग का है। अब आपको हम अंदर लेके चलते हैं और मकान को विस्तार पूर्वक हम बताते हैं। काफ़ी अच्छा मकान बना है और अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो फ्रंट आपका पोर्च में मार्बल लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा, और दोनों जालीदार दरवाजे लगे हुए हैं। नगर निगम का एरिया है, सीवर पड़ा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, और रोड लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर दोनों तरफ की आपकी खिड़कियाँ लगी हुई हैं तो काफ़ी सुंदर है। और एक एंट्रेंस आपको यहाँ से मिल जाता है और एक एंट्रेंस आपको यहाँ से मिल जाता है। इन्वर्टर के लिए आपका ये स्पेस दिया हुआ है और ऊपर जाएंगे तो आपका ऊपर भी एक रूम बना हुआ है, एक ऊपर रूम और एक ऊपर टॉयलेट है। टोटल आपका 3 BHK का ये मकान है और जिसकी कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 63 लाख का है। तो सबसे पहले आपको समझने वाली चीज़ ये है कि जो आप ये दरवाजे देख रहे हैं, दरवाजे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दरवाजे लगे हुए हैं और इसमें जालीदार दोनों रूम में लगे हुए हैं। जो एंट्रेंस डोर है और ये वाले दोनों आपके जालीदार हैं। साथ ही साथ पूरे मकान में फॉर सीलिंग का वर्क इसमें किया हुआ है, जैसा कि देखिए अभी आप देख सकते हैं, और टाइल्स काफ़ी अच्छे इसमें लगे हैं। तो खूबसूरती जो मकान की है बहुत ही अच्छी खूबसूरती है मकान में, और पूरा फॉर सीलिंग वर्क ये है। तो आप जब रूम में एंट्री करेंगे तो ये जो स्पेस है आपका ड्राइंग रूम का स्पेस है ये आप देख सकते हैं, और वहाँ पर जो है आपका डाइनिंग स्पेस है।
और ये आपका ड्राइंग रूम का एंट्रेंस का दरवाज़ा है, ये आपकी खिड़कियाँ होंगी। तो काफ़ी अच्छा मकान बना हुआ है। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ये डाइनिंग स्पेस हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं फॉर्ड सीलिंग का वर्क, इस पर पूरा कंप्लीट है। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि इस मकान में आपको मॉड्यूलर किचन हम लोग दे रहे हैं। मॉड्यूलर किचन है, चिमनी है काफ़ी अच्छी, और जो दरवाजे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसमें बनी हुई है। ये आप अगर इसको देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया, ये आपका मॉड्यूलर किचन है पूरा पूरा। थोड़ा सा भी कबाड़ा है लेकिन चीज़ें काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं। साथ ही साथ अगर आप इधर आगे बढ़ते हैं तो एक आपका ये रूम है और एक अंदर जाके रूम है और एक ये आपका टॉयलेट है। तो सबसे पहले हम आपको इस रूम में लेके चलते हैं। तो ऊपर रूम आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे दरवाजे सेम क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। टाइल्स यहाँ पर उन्होंने वार्डरो का स्पेस पूरा बनाया हुआ है। वार्डरो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, ये देख सकते हैं वार्डरो का स्पेस काफ़ी सुंदर। ऊपर भी रैक लगी हुई है और नीचे की तरफ भी है, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। वार्डरो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा रेडी टू मूव कंडीशन में आपका ये सारा मकान है कंडीशन में। और अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा टॉयलेट का, ये आपका टॉयलेट हो गया, ये जो कि इंडियन टॉयलेट है आपका। और यहाँ से पैसेज है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर आपका छोटा सा आंगन हो जाता है। और अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो ओटीएस है, जाल है, और जाल के ऊपर भी टीन शेड लगी हुई है। इस कमरे के वेंटिलेशन के लिए आपका देखिए ये खिड़की आपकी लगी है और यहाँ से एक खिड़की लगी है। और अगर आप इसी तरह से इस रूम में एंट्री करते हैं तो इस रूम में भी वार्डरोब का पूरा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस वार्डरोब का दिया है। इस वार्डरोब में जो आपका है स्लाइडर का पूरा दिया है, यहाँ से आप स्लाइडर से आप इसको खोल सकते हैं, ये आप देखिए इस टाइप से देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्लाइडर बेस है इसमें। और ये आपका उस तरफ का ओटीएस है वेंटिलेशन के लिए। और ये देखिए ड्रेसिंग का स्पेस भी यहाँ पर दिया है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपका एक वेस्टर्न टॉयलेट दिया हुआ है। तो काफ़ी सुंदर मकान है, दरवाजे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाजवाब है, तो बहुत ही बेहतरीन मकान। सारे खिड़की दरवाज़ों में आपके डबल जाली लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा इसमें है। और रूम भी साइज़ भी काफ़ी बड़े हैं, यहाँ से आप देखेंगे अगर आप जाएंगे इस तरफ से तो ये भी आपका एक ओटीएस है। तो 20x50 में जो ये मकान बना है काफ़ी सुंदर है मकान ये आपका। तो अब देखिए हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, और ऊपर की तरफ भी आपका एक रूम और एक टॉयलेट बना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर है। और जो रेट ये बना है काफ़ी अच्छा है, ईस्ट फेसिंग का मकान है 3BHK का। और उन्होंने आगे का जो ये बना हुआ है काफ़ी अच्छा स्पेस है उठने बैठने के लिए भी, काफ़ी अच्छा निकाला हुआ है लॉन। ये देखिए आप देख रहे हैं ये चिमनी भी यहाँ पर लगी हुई है इस साथ ही साथ मकान में। और फर्श टाइल्स काफ़ी सुंदर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं जो स्पेस है आपका बैठने वाला लॉन का काफ़ी अच्छा है। और जो ये आसपास की लोकेशन है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन है आसपास की, फैमिलीज करंट टाइम में रहती भी हैं। सामने जो आपको रोड दिख रही है 60 फिटा रोड है ये आपकी, और सामने की जो रोड दिख रही है ये 25 फिट की आपकी रोड है, ये देख सकते हैं। तो ये मकान काफ़ी सुंदर बना हुआ है, 3BHK का ये मकान है। ऊपर देख सकते हैं प्लस माइनस की डिज़ाइन बनी हुई है, फर्श सेम क्वालिटी की लगी हुई है, और जाली सब में लगी हुई है, जो खिड़कियों की जाली है सब में लगी हुई है ये आपकी।
और इधर आप स्पेस बढ़ेंगे आगे तो पीछे की तरफ आपका एक हमने ये टॉयलेट बनाया हुआ है। दो आपके ओटीएस हैं तो दोनों ओटीएस के ऊपर आपकी जाली है, प्लस ये आपका एक टॉयलेट है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन टॉयलेट है आपका पूरा। तो आप अभी देखा था जो लोकेशन है काफी अच्छी बनी हुई है मकानों की, और रेडी टू मूव कंडीशन में मकान है तो काफी अच्छा है। तो इसको आप लेकर रहना चाहते हैं तो तुरंत आप इसको रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो उससे क्या होता है कि जो लेटेस्ट वीडियोस होते हैं आपके पास पहुंचते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मकान पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।